दोस्तों आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ शिव मार्केट में पीयूष इंटीरियर, जो कि डील करते हैं कंप्लीट इंटीरियर प्रोडक्ट्स में। स्क्रीन पर आपको एड्रेस, फोन नंबर, सारी डिटेल इस जगह की मिल जाएगी, तो प्लीज आप उसे चेकआउट जरूर कीजिएगा और यहाँ पर आकर जुड़िएगा जरूर। इंस्टाग्राम, फेसबुक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हमें फॉलो जरूर कीजिए। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोज पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस फैमिली का पार्ट जरूर बने। बात करेंगे यहाँ के ओनर से, देखेंगे किस किस प्रोडक्ट में ये लोग डील करते हैं, होलसेल रिटेल किस तरह का इन लोगों का बिजनेस है, पैन इंडिया काम करते हैं या सिर्फ दिल्ली एनसीआर में काम कर रहे हैं, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो प्लीज वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो अब बात करेंगे इस जगह के ओनर से, लेते हैं सारी जानकारी डिटेल में, सो लेट्स गो। दोस्तों मेरे साथ बैठे हैं मिस्टर पीयूष, जो कि ओनर है पीयूष इंटीरियर के। चलिए इनसे जानते हैं इनकी जगह के बारे में। पीयूष जी, अपनी जगह के बारे में कुछ बताइए, कब से आप लोग काम कर रहे हैं और क्या क्या मिलता है आपके पास, होलसेल रिटेल किस तरह का बिजनेस है आपका? पीयूष इंटीरियर 2015 से एस्टैब्लिश है। हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कस्टमाइज वॉलपेपर, म्यूरल्स, वॉल पेंटिंग्स जिसको कहते हैं कैनवास पेंटिंग्स, फाउंटेन्स, एलईडी मिरर्स। हमारा होलसेल और रिटेल दोनों को काम है। और बात करूँ आपका प्राइस रेंज की, तो कितने से चीज़ें शुरू हो जाती हैं आपके पास और कितने तक जाती हैं? कस्टमाइज वॉलपेपर की क्या रेंज, क्या पेपर क्वालिटी आपके पास है? कस्टमाइज पेपर की अब क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें आता है पीवीसी क्वालिटी, एचडी, नॉन वोवन में भी चार पांच क्वालिटी होती हैं। 40 रुपीज़ स्क्वायर फीट से लेके 90 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट तक डील करते हैं हम। और अगर बात करूँ बाकी प्रोडक्ट्स की, तो उसमें होलसेल रिटेल का क्या प्राइस रेंज है और डिफरेंस कितना आता है प्रोडक्ट के प्राइस रेंज में? जो एलईडी मिरर्स का, जो हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें 2800 से लेके और 7000 तक मिरर्स हैं। उसमें जो प्राइस रेंज होती है वो साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है। उसमें ब्लूटूथ मिरर भी है, हैंड माइक्रोवेव सेंसर भी है, सेंसर वाला मिरर भी है, वो सब अलग अलग मिरर्स होते हैं। ओके, ये जो पीछे हमारे म्यूरल्स रखे हैं, इनकी क्या प्राइस रेंज स्टार्टिंग है और कितने तक जाती है? इनकी 700 से लेके और आपकी 2000 तक स्टार्टिंग है। और ये सारी की सारी रिटेल में या होलसेल में? अगर होलसेल में मुझे इसकी क्वांटिटी लेनी है और रिटेल में मैं क्वांटिटी ले रहा हूँ, तो फ़र्क तो होगा ना कुछ प्राइस रेंज का? हाँ जी, इसका फ़र्क रहता है। इसमें हम आपको ऐसे नहीं बता सकते, जब आप क्वांटिटी लोगे हम आपको ऐसे बताएंगे। और मुझे कितनी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी किसी भी प्रोडक्ट की आपके साथ जुड़ के आगे काम करने के लिए? मिनिमम 2 to 3 पीस तो आपको लेने ही पड़ेंगे अगर आपको स्टॉकिस्ट बनना है। सर्विसेज की अगर मैं बात करूँ, तो आपकी जो सर्विसेज हैं वॉलपेपर से रिलेटेड हो या बाकी किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर में है या आउट ऑफ स्टेट भी आप लोग प्रोवाइड कराते हैं लोगों को? दिल्ली एनसीआर में हम लेबर भी प्रोवाइड करवाते हैं, बट ऑल ओवर इंडिया हम लेबर प्रोवाइड नहीं करवा पाते, हम सिर्फ मटेरियल प्रोवाइड करवा देते हैं। शिपिंग चार्जेस और जीएसटी की अगर मैं बात करता हूँ, तो वो किस हिसाब से है, कितना कितना है? और ट्रांसपोर्ट में अगर मान लीजिए कोई होलसेल में आपसे जुड़ रहा है, तो ट्रांसपोर्ट किस हिसाब से रहता है? ट्रांसपोर्ट का ऑन एक्चुअल होता है, वो पर केजी के हिसाब से होता है। 30 रुपीज़ पर केजी से लेके 120 रुपीज़ पर केजी तक रहता है। सामने मैं देख रहा हूँ कुछ फाउंटेन्स लगे हुए हैं, बुद्धाज हैं, तो इस तरह के प्रोडक्ट भी आप लोगों के पास अवेलेबल होते हैं और इनकी क्या प्राइस रेंज है? ये हमारे पास फाउंटेन्स भी अवेलेबल रहते हैं, ये 1000 रुपीज़ से लेके और जितना साइजेस के डिपेंड करता है कि कितना बड़ा साइज है, उसके ऊपर प्राइस रहता है। तो हमारे सामने कुछ बुक्स रखी हैं, मैं चाहूँगा आप मुझे प्राइस रेंज के हिसाब से कुछ डिज़ाइन दिखाइए, किस तरह के आपके डिज़ाइन हैं और किस तरह की प्राइस रेंज है कस्टमाइज वॉलपेपर में? ये हमारी कस्टमाइज की कैटलॉग है, ये देखो। प्राइस रेंज कितने से स्टार्ट हो जाती है? ये प्राइस रेंज पेपर क्वालिटी पर डिपेंड करता है, वैसे तो इनके डिजाइन के सबके सेम प्राइस रहते हैं। 40 रुपीज़ स्क्वायर फीट से स्टार्ट है ना कस्टमाइज? 40 रुपीज़ स्क्वायर फीट से लेके आपके 90 रुपीज़ स्क्वायर फीट तक जाते हैं। अगर मुझे अपनी फोटोग्राफ्स वगैरह प्रिंट आउट करवानी है और लगवानी है, तो वो भी पॉसिबल है? या वो पॉसिबल है, बट आपकी HD हाई डेफिनेशन में होनी चाहिए, DSLR की फ़ोटो होनी चाहिए, तो वो आपकी बन जाएगी। और कितना टाइम लगेगा इसको पेस्ट करने में प्रॉपर पूरा दीवार में? हम सेम डे डिस्पैच करते हैं, दिल्ली NCR में नेक्स्ट डे सर्विस हो जाती है। अच्छा। मगर और जो ऑल ओवर इंडिया होता है वो सेम डे डिस्पैच होता है। तो ये आपके अपने खुद के डिज़ाइन? ये खुद के मेरे डिज़ाइन हैं, जैसे जिम के डिज़ाइंस हो गए हैं, ये सारे जिम्स के चल रहे हैं, तो हर तरह के डिज़ाइन अवेलेबल हैं। ये पार्लर के डिज़ाइंस हैं। अच्छा। ये जैसे किड्स रूम के डिज़ाइंस हो गए, डाइनिंग रूम के हो गए, ये हॉर्स वाले वास्तु के हिसाब से लोग हॉर्सेस लगवाते हैं, ये मैप हो गए, ये कॉन्फ्रेंस रूम मीटिंग रूम्स के लिए हो गए हैं, ये बेडरूम्स के लिए डिज़ाइंस हो गए हैं।
ये तो पहली बुक दिखा दी है मैंने आपको, दूसरी बुक दिखाता हूँ अब आपको। ये हम आपको सेकंड कस्टमाइज बुक पे आते हैं, ये रेस्टोरेंट वगैरह के लिए। प्राइस रेंज किस हिसाब से इस कैटलॉग की? प्राइस रेंज कैटलॉग की आपकी 500 रुपये से लेके और 1000 रुपीज़ कैटलॉग की प्राइसिंग होती है। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं इस कैटलॉग को लेकर काम आगे करना चाहता हूँ तो भी पॉसिबल है? हाँ, तो आप कर सकते हैं, आपको बस कैटलॉग परचेज करनी पड़ेगी। डिज़ाइंस के बारे में कुछ बताइए, कितने से प्राइस रेंज के स्टार्टिंग हो रही है? प्राइस रेंज की डिज़ाइनिंग से कोई मतलब नहीं है, आपका पेपर क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि पेपर आपका किस क्वालिटी का है। और आपके पास पेपर क्वालिटी हर तरह की अवेलेबल है? पेपर क्वालिटी आपको हर तरह की मिल जाएगी, वेबसाइट पे मिल सके, वेबसाइट हम आपको बता देते हैं, आपको उस पर भी डिज़ाइंस मिल जाएंगे, जैसे शटर स्टॉक हो गया, अली एक्सप्रेस की वेबसाइट हो गई है, उस पर आपको हर तरह के डिज़ाइन मिल जाएंगे जो आप अपने पास प्रिंट हो सकते हैं। तीसरी बुक दिखाने से पहले मैं आपको पेपर की क्वालिटी दिखाना चाहूँगा, ये हम पेपर की क्वालिटी पर जा रहे हैं, ये HD मीडिया है, ठीक है, ये 40 रुपीज़ स्क्वायर फिट है, ये नॉन वोवन ऑडी, ये आपका 50 रुपीज़ से स्क्वायर फिट है, ठीक है, ये नॉन वोवन है, ये 60 रुपीज़ है, फिर इसमें HD मीडिया में UV क्वालिटी आती है, वो आपकी 60 रुपीज़ स्क्वायर फिट है, ओके, और फिर नॉन वोवन जो UV मशीन का होता है वो अलग होता है, वो 70 रुपीज़, 80 रुपीज़, फिर इसमें हम फ्रोस्टेड फिल्म में आ जाते हैं, तो फ्रोस्टेड फिल्म आपको 60 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट मिलती है। मैं आपको कस्टमाइज पेपर क्वालिटी के बाद इम्पोर्टेड वॉल पेपर की बुक दिखा रहा हूँ, ये वोवन पेपर है, इसकी जो प्राइस रेंज है वो आपकी 1000 रुपीज़ से स्टार्ट होती है, इसमें आपके लेबर चार्जेस अलग रहते हैं, 300 रुपीज़ पर रोल रहते हैं। और इस तरह की जो वॉल्स के लिए हम जो डिज़ाइन जो अभी देख रहे हैं वो कहाँ कहाँ हाईलाइट कर सकते हैं? आप इनको रेस्टोरेंट वगैरह में भी कर सकते हैं, रूम्स वगैरह, बेडरूम्स, डाइनिंग रूम्स, हर जगह कर सकते हैं इनको। ठीक है, कलर और डिज़ाइन तो और भी आपके पास अवेलेबल होंगे? हाँ, इनके बहुत सारे डिज़ाइंस हैं हमारे पास, मोर देन 10,000 डिज़ाइंस रहते हैं इनके। तो ये कैटलॉग अगर मेरे को PDF फॉर्म में चाहिए तो मिल जाएगी? हाँ जी, PDF फॉर्म में आपको कैटलॉग मिल जाती है। और डिज़ाइन भी देखना चाहूँगा। हाँ जी, देख इनकी सबकी, इस पूरी कैटलॉग की 1000 रुपीज़ से रेंज शुरू है? 1000 रुपीज़ से पर रोल स्टार्ट है। और एरिया कितना कवर करेगा ये? वन रोल एरिया 57 स्क्वायर फिट, एरिया 50 स्क्वायर फिट कवर करता है, मगर जो रोल होता है वो 57 स्क्वायर फिट रहते हैं, जो 7 स्क्वायर फिट होता है वो वेस्टेज में कवर होता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन है और बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन है, कलर कॉम्बिनेशन, ये आप कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हो। पीयूष भाई, अब तो हम लोगों ने देख लिए डिज़ाइंस, प्राइस रेंज आपने बता दिए, अब मैं चाहूँगा जो मशीनें जिस तरह से काम करती हैं वॉलपेपर की, हम उसका एक ओवरव्यू दे दें लोगों को, बता दें किस तरह से काम करती हैं, उसके बाद जो LED मिरर्स की आपकी रेंज है वो देखेंगे। चलें? ओके, चलिए। अशोक भाई, ये हमारी UV प्रिंटिंग है, हम अपनी यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस पे खड़े हैं। इस UV मशीन की खासियत यह है, इसके जो कलर्स होते हैं वो कभी डल नहीं पड़ते हैं। देखो आप, इसके कलर्स कितने ब्राइट हैं, ये कानपुर जा रही है बनके। और ये हमारी ये दूसरी मशीन है, ये इको सॉल्वेंट मशीन है, ये इस पर आपका प्रिंट निकल रहा है किड्स का, ये आपका ऑल ओवर कहीं और जा रहा है, बैंगलोर वगैरह। तो ये जो जितने भी दोनों की दोनों जो मशीनें हैं, उन दोनों का अलग अलग काम करने का तरीका, अलग अलग मीडिया इसमें लगती है? ये हाँ, इसमें अलग अलग मीडिया लगती हैं, इसमें अलग मीडिया लगता है, इसमें अलग मीडिया लगता है। अच्छा, कलर की बात करूँ तो कलर दोनों के अलग अलग हैं? दोनों के कलर अलग अलग हैं, इसके ये ज़्यादा ब्राइट कलर होते हैं, इस कलर को आप, इस प्रिंट को तो आप धूप में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और अगर बात करूँ इसकी? इसको हम धूप में नहीं कर सकते, इसके कलर डल पड़ जाते हैं। अच्छा। हाँ, मगर इसको नॉर्मली जो लोग होते हैं वो यही यूज़ करते हैं। और दोनों मशीनों में से सबसे ज़्यादा यूज़ किसका है वैसे, अगर देखा जाए कौन सी प्रिंटिंग ज़्यादा इस्तेमाल होती है आपके? इको प्रिंटिंग 60% ज़्यादा होती है, क्योंकि वो थोड़ी इकोनॉमिक है। अच्छा। और ये थोड़ी कॉस्टली है तो इसलिए कम यूज़ करते हैं। यूवी प्रिंट की आपने बात करी, तो यूवी प्रिंट जो होता है वो किस हिसाब से आता है, कितना रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से? ये 70 रुपीज़ स्क्वायर फीट से स्टार्टिंग है, 70, 80 और 90, इसमें अलग अलग पेपर क्वालिटीज़ हैं। चलिए ठीक है, अब मशीनें देख ली है, अब बारी है LED मिरर का, जो आपका डिस्प्ले लगा हुआ है वो देखते हैं, उसकी प्राइस रेंज जानते हैं। ओके, चलिए। अशोक भाई देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग है LED मिरर्स की, इसमें आप प्राइस रेंज की बात करें तो 2800 रुपये से लेके 8000 रुपये तक की रेंज है हमारे पास।
और साइज और कलर की बात करूं अगर तो किस तरह की अवेलेबिलिटी है इसमें? आप जो भी साइज बोलोगे वो साइज बन जाएगा, और कलर से हमारे पास सिंगल भी है, ट्रिपल लाइट भी है, डिमर भी है, इसमें ब्लूटूथ सेंसर्स भी हैं, माइक्रोवेव सेंसर्स भी हैं, सेंसर्स भी हैं, हम आपको भी दिखाएंगे सब कुछ। चलिए फिर एक एक करके देखते हैं प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। हाँ, इसका साइज आपका 3x2.5x2 का है, इसकी प्राइस रेंज 3300 रुपये है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो ये कितने से शुरू हो जाता है और कितने तक जा रहा है? इसका 3x3 का साइज है और ये ट्रिपल लाइट है। अच्छा। ये 4500 से स्टार्ट है। ओके, ठीक है। इसके बाद इसके बारे में कुछ बताइए। ये अभी लेटेस्ट आया है माइक्रोवेव सेंसर। अच्छा। आप इसके सामने से 10 सेकंड बाद हट जाओगे। अच्छा। तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसका यूज हम आपको दिखाएंगे अभी। कितने से स्टार्ट है, क्या प्राइस रेंज है? आपका 8000 से स्टार्ट है। ओके, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा वाला है? ये ब्लूटूथ वाला है। इसमें ब्लूटूथ है, हम इसको ब्लूटूथ कनेक्ट करके इसमें हम कोई भी सॉन्ग से हम वो सुन सकते हैं। प्राइस रेंज कितनी जा रही है इसकी? 7000 रुपये प्राइस रेंज है। सारी रिटेल बता रहे हो ना आप? हाँ जी, रिटेल प्राइस है। ठीक है, जैसे आपने बताया मोशन सेंसर, उसका अपने आप ही हट गया था। हाँ जी, हाँ जी, अपने आप हट गया था, वो उसके सामने आओगे तो अपने आप जल जाएगा। इसके बारे में बताइए कुछ, क्या प्राइस रेंज है और कलर कितने इसमें भी? ये आपका 3300 रुपीज है, ट्रिपल लाइट है। अच्छा, ये भी ट्रिपल लाइट है। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऊपर भी मैं कुछ देख रहा हूँ मिरर लगे हुए हैं, क्या प्राइस रेंज से शुरू है, कितने तक? वो 3800 रुपीज है, ट्रिपल लाइट है। अच्छा, ये भी ट्रिपल लाइट है। हाँ जी, ओके, ठीक है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ, इस तरह के डिज़ाइन भी मिल जाते हैं, इसकी प्राइस रेंज? 2x2 का है, ये आपका सिंगल लाइट है, 2800 रुपीज है। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर एक अलग बड़े साइज में मिल रहा है हमें मिरर, क्या रेंज है? और 3x2.5 का है, ये ट्रिपल लाइट है, डिमर है। अच्छा। 5200 रुपीज की प्राइस रेंज। अच्छा, इसमें RGB लाइट्स अवेलेबल हो जाएंगे अगर आप मैं करवाना चाहूँ? आप कलर बोलोगे वो कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इस शीशे के बारे में कुछ बताइए, क्या रेंज है और कितने? न्यू डिज़ाइन है, ये ट्रिपल लाइट है, ये आपका 3300 रुपीज है। ओके, हर साइज में मिरर अवेलेबल है। ठीक है, एक शीशा और हम देखना चाहेंगे। लेटेस्ट डिज़ाइन है, ये ट्रिपल लाइट है, 3800 रुपीज़ इसकी कॉस्ट आएगी। पैन इंडिया डिलीवरी होगी इसकी? पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी होगी। जो इसका पैकिंग चार्जेस रहेंगे वो एक्चुअल रहेंगे, और जो ट्रांसपोर्ट है वो भी एक्चुअल रहेगा, वो पर केजी के हिसाब से होती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जितना हो सकता है उतना शेयर ज़रूर करना है, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। जो जो यहाँ पे आना चाहता है, इस जगह से जुड़ना चाहता है, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उसे चेकआउट ज़रूर कीजिएगा और यहाँ पर आकर जुड़िएगा ज़रूर। इंस्टाग्राम और फेसबुक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कीजिए। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस फैमिली का पार्ट बनिए। तो आज के लिए मैं आपसे लेना चाहूँगा अलविदा, मिलूंगा अगली बार एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।